आज घर घर में भगवान श्री कृष्ण जी का फोटो या फिर मूर्ति मिल जाएगी। कईयों ने तो अपने फोन का वॉलपेपर भी श्री कृष्ण जी का रखा होगा, कॉलर ट्यून भी श्री कृष्ण जी का भजन रखा होगा। कई सारे लोग जय श्री कृष्ण भी बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो सही में असलियत में भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों को मानते हों। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के महान एवं दिव्य संत गुरु पंचसखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। गौ माता सनातन संस्कृति की रीढ़ है। वेद शास्त्र की बात करूंगा दोस्तों, वेदों में शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि गौ माता पृथ्वी के समस्त प्राणियों की जननी है। गाय के सिंघों में ब्रह्मा, ललाट में शंकर, कानों में अश्विनी कुमार, नेत्र में सूर्य एवं चंद्र, जीवा में पृथ्वी, पीठ पर नक्षत्रगण, गोवर में स्वयं महालक्ष्मी, थनों में चारों समुद्र निवास करते हैं, बल्कि 33 करोड़ देवता देवी निवास करते हैं गाय माता के शरीर में। इस कलयुग में जिनको अपने धर्म एवं शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो इस बात का मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। इसीलिए तो आज सनातन का हालत ऐसा है। कल के अध्याय में एक भाई ने ओडिया में कमेंट किया कि पृथ्वी पर कोई प्रलय नहीं आएगा क्योंकि साधु संत मौजूद हैं, और आखिर में लिखा जय जगन्नाथ। मेरे भाई, आपने जिस जगन्नाथ जी का नाम लिखा है, वही जगन्नाथ जी ने मालिका का ज्ञान दिया है पंच सखाओं को, और आप जिन साधु संत की बात कर रहे हो उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को अपमान किया जा रहा है। तो भला किस आस में बैठे हो कि पृथ्वी पर आने वाला प्रलय से बच जाओगे? हमें पहले खुद को देखना है, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ? क्या मैं धर्म का पालन सही से कर रहा हूँ? क्या मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ? क्योंकि भगवान ने मुझे मानव जन्म दिया है, इस सृष्टि का श्रेष्ठ मानव, और हम खुद ही अपने कर्मों से पाप पुण्य निर्णय करते हैं, निर्धारित करते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करता। ये कर्म योग का सिद्धांत है, इस सृष्टि का नियम है मेरे दोस्त, इसे कोई बदल नहीं सकता। वैसे ही श्री कृष्ण जी ने गौ माता की सेवा अति प्रेम भाव से किया था, लेकिन आज ज्यादातर लोग उसी गौ माता को कष्ट दे रहे हैं। आज हम गाय को सिर्फ अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सनातन की पवित्र धरती भारतवर्ष में आज गाय का मांस खाया जाता है, इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है दोस्तों? आप केरला में जाओ, खुलेआम बेचा जाता है, खुद हिंदू खुले में खाते हुए मिल जाएंगे, रोज खाते हुए मिल जाएंगे। हम दूसरे मजहब की बात क्या करें जब खुद के घर में ही धर्मद्रोही मौजूद हैं। गाय की तस्करी एक बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों करोड़ों रुपए का रैकेट चल रहा है।
खुद मेरे राज्य ओडिशा में हर दिन हजारों हजारों की संख्या में गाय की तस्करी की जाती है, उनको काटा जाता है, खाया जाता है। नेता, मंत्री, यहाँ तक कि पुलिस भी इन सब में शामिल है। जो विरोध करता है उसको मार दिया जाता है या फिर झूठे केस लगा के जेल में डाल दिया जाता है। इससे बड़ा अपराध इस पवित्र हिंद की भूमि पर और क्या हो सकती है दोस्तों। गौ माता की निष्ठा से, प्रेम भाव से सेवा करने से अनेकों पुण्य प्राप्त की जा सकती है। उसी गाय के दूध का सेवन करने से हमें शक्ति मिलती है, उसी गाय के दूध से घी बनता है, छाछ, लस्सी, दही बनता है, जिसका सेवन करके हम तंदुरुस्त बनते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में गौ माता अनेकों दुख कष्ट से पीड़ित है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर सुना होगा, रात के समय गौ माता घोर चित्कार करते हैं, रोते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? अपने अंदर का दुख कष्ट पीड़ा को प्रकाश करने का प्रयास करते हैं। और अगर वेद शास्त्र की बात मानो, जब गौ माता रोती है इस संसार पर मुसीबत जरूर आती है। 600 साल पहले गुरु अच्युतानंद जी ने स्पष्ट कर दिया था कि गौ माता के ऊपर मानव अनेकों अत्याचार करेंगे, फल स्वरूप कलयुग का आयु कई हजारों हजारों साल घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो गौ माता की सेवा जरूर करना, निष्ठा से करना, प्रेम भाव से करना, ताकि गौ माता के आशीर्वाद से आपको कुछ पुण्य प्राप्त हो। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।